हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम अक्सर दवा की दुकान, हॉस्पिटल या फिर किसी डिस्पेंसरी पर जाते हैं तो हमें एक लाल रंग का प्लस का निशान देखने को मिलता है। क्या आपको पता है ये लाल रंग का प्लस का निशान क्यों होता है, इसकी क्या हिस्ट्री है? आइए आपको बताते हैं। दरअसल ये निशान रेड क्रॉस से संबंधित हैं। रेड क्रॉस एक मेडिकल संगठन है। ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, NGO। इसका मुख्यालय जिनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना सन 1919 में की गई। रेड क्रॉस ने अपना मूवमेंट लोगों 6 ऑफिशियल भाषाओं, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश में जारी किया। ये निशान 3 तरह के बनाए गए, रेड क्रॉस, रेड क्रिसेंट, रेड क्रिस्टल। ये निशान इमरजेंसी को दर्शाता है। इससे यह पता चलता है कि यहाँ पर मेडिकल से संबंधित सेवाएं हैं। तब से हर मेडिकल क्षेत्र में यह निशान लगाया जाने लगा। दोस्तों, अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर करें और ऐसे और भी कई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।